ओके हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल भी स्टडिंग चैप्टर नंबर नाइन ऑफ योर क्लास सेकेंड सिलेबस दैट इज़ हाउ टू डू इट सो हाउ टू डू इट ए गेम का नाम है सो वी विल सी दिस इन दिस चैप्टर दैट इज स्टार्ट वॉट हैपन्स इट इज़ रेनिंग टूडे सो इन दिस स्टोरी इट इज़ रेनिंग टूडे द कॉल सिस्टर्स शीना एंड जूनी कैन नॉट प्ले आउट साइड सो आज बारिश हो रही है तो कॉल सिस्टर्स जो दो बहनें हैं शीना और जूनी बाहर नहीं खेल सकते दे डिसाइड टू प्ले इनडोरस तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो घर के अंदर खेलेंगे दे ऑल्सो आस्क देव राजू एंड नेहा देर नेबर्स टू जॉइन देम तो फिर उन्होंने देव राजू और नेहा जो उनके पड़ोसी थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो उनके साथ आ जाएं। शीना टू तो प्ले स्नैस एंड लेडर्स बट जू जु, जूनी वॉन्ट्स टू तो प्ले लूडो तो शीना को स्नैक एंड लेडर खेलना है एंड जूनी को लूडो खेलना है शीना इज़ मदर आज देम टू प्ले हाउ टू डू इट शीना की मम्मी ने बोला कि तुम लोग हाउ टू डू इट गेम खेलो बट द चिल्ड्रेन डू नॉट नो द गेम पर चिल्ड्रेन को ये वाला गेम ही नहीं पता सो मिसेस कॉल कॉल्स ऑल ऑफ देम एंड टेल्स देम सॉफ्टली हाउ टू प्ले द गेम सो फिर मिसेस कॉल ने सबको बुलाया और एक साथ बताया कि कैसे ये गेम खेलना है दिस इज़ हाउ द प्ले द गेम तो फिर ये इस तरह से ये लोग गेम खेलते हैं देखिए आई विल आस्क यू क्वेश्चन अबाउट डिफरेंट एक्शंस यू शुड से हाउ दे हैपन हाउ डज़ राजू ईट केक सो ये गेम ऐसा है कि इसमें एक इंसान कई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कैसे कौन ये वाला काम करता है ठीक है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे वो काम करता है तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डज़ राजू ईट केक राजू कैसे केक खाता है फिर आंसर देखिए क्या आता है स्लोली धीमे धीमे ही ईट्स आफ्टर शेयरिंग इट विद एवरी वन तो वो स्लोली स्लोली खाता है और सबसे बाँट कर खाता है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है ओ राजू दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू फिर वो कोई <coughs> कोई वहाँ पर राजू से कहता है कि बहुत अच्छे थैंक्स राजू कहता है थैंक्स यस मम्मी यस मम्मी से मम्मी भी हमें यही सिखाती है आई लाइक टू शेयर माई फूड विद एवरी वन और मुझे लोगों के साथ अपना फूड शेयर करना बहुत पसंद है सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हाउ हाउ जूनी राइट जूनी कैसे लिखती है शी राइट्स नीटली कैसे लिखती है नीटली लिखती है एवरी वन कैन अंडरस्टैंड हर राइटिंग सब लोग उसके अंडरस्टैंड कर सकता है उसकी राइटिंग को तो सबसे पहले राजू कैसे के खाता है स्लोली और जूनी कैसे लिखती है नीटली ठीक है दो चीज़ें हमने सीखी यहाँ पर अब देखिए हाउ डज़ फादर सिंग इन द बाथरूम पापा बाथरूम में कैसे गाते हैं लाउडली वी कैन हेयर हिम फ्रॉम आर लिविंग रूम पापा कैसे गाते हैं लाउडली देर से तेज तेज गाते हैं हम उनको अपने लिविंग रूम से सुन सकते हैं जहाँ पर हम सोते हैं वहाँ तक सुनाई देता है उनका आवाज़ ठीक है हाउ डज़ नेहा वॉक टू स्कूल अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है नेहा स्कूल कैसे जाती है क्विकली ठीक है तेजी से आई ऑलवेज हरी बिहाइंड हर और मैं हमेशा उस उनके पीछे देर से भागना पड़ता है मुझे तेज़ तेज़ क्योंकि वो बहुत तेज चलती है तो हम लोग ने चार वर्ड्स पढ़े स्लोली नीटली लाउडली क्विकली ठीक है अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है हाउ डज़ अ माउस स्टे इन द हाउस माउस कैसे रहता है हाउस में इट स्टेज़ क्वाइटली कैसे रहता है वो एकदम चुपके से धीमे धीमे रहता है वो फिफ्थ वर्ड हमने पढ़ा क्वाइटली हाउ डज़ work? एक मधुमक्खी कैसे काम करती है हैप्पीली एंड busily ऑल थ्रू द डे खुशी से और हमेशा बिजी रहती है दिन भर ना? सो दिस इज़ दिक्स एंड द सेवेंथ वर्ड वी लर्न हाउ डज एवरी वन रन फ्रॉम अ स्नेक सो फिर एक बदमाश बच्चे ने मस्ती करी और कहा कि जब स्नेक आता है तो कैसे सब भागते हैं हंसने लगा वो फिर सब लोग डर गए एकदम देखिए यहाँ पर देव दैट वॉज वेरी नोटी देव ये बहुत बुरा किया तुमने आई विल टेल मम्मी वॉट यू डिड फिर उसने कहा कि मम्मी को बताया जाएगा हम लोग कि इसने क्या किया गंदी बात नो प्लीज़ डोंट टेल मम्मी मम्मी को मत बताइएगा आई एम सॉरी आई वोंट डू दिस अगेन मुझे माफ़ कर दीजिए मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा तो उसमें से देव ने मस्ती करी और फिर उसने माफ़ी भी मांगी तो नकली सांप था वो अब देखिए आई एम सॉरी फ्रेंड्स नाउ टेल मी हाउ मेनी वर्ड्स डिड बी यूज़ टू डिस्क्राइब एक्शन सो कितने वर्ड्स हम लोग ने सीखे क्या किसी को याद है कितने हम लोग ने काउंट किए थे चलो एक बार फिर से काउंट करते हैं हम लोग स्लोली नीटली loudly, quickly, quietly, happily, busily, okay, so altogether it is इज़ सेवन तो सेवन सही आंसर है okay, तो आई होप यू लाइक द स्टोरी ये गेम है जिसमें आप पूछते हैं कि कौन सा कैसा काम हम लोग करते हैं सो हमने सेवन वर्ड्स यहाँ पर सीखे हमने सेवन एडवर्ब सीखे एडवर्ब्स हम लोग ने पढ़ा है ना ग्रामर में तो वही चीज़ें हैं स्लोली क्विकली ये सब बताते हैं कि काम कैसे किया गया है ठीक है तो ये गेम हम लोग ने खेला यहाँ पर बच्चों ने दिस वॉज अ वेरी नाइस गेम यू कैन ऑल्सो ट्राई इट एट योर होम आप लोग भी अपने घर पर इसको ट्राई कर सकते हैं और सबसे पूछ सकते हैं कि कैसे कौन काम करता है ओके सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी the exercises and the question answer all will be in the pdf form form you have to complete it from there and if you have any doubt in this chapter you can please ask for me in the doubt clearing classes thank you for watching the video hope you have a nice day thank you